लाल डायरी पर मचे सियासी बवाल पर पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कहा कि बीजेपी के पास में कोई मुद्दा नहीं बचा है। चुनाव से पहले इस तरह की बातें फैलाना और चर्चा करना बीजेपी की पुरानी आदत रही है। केंद्र में बीजेपी सरकार है, वहां पर भी विफल हो रही है। राजस्थान में विपक्ष में है, यहां भी विफल हो रही है। अजीब पार्टी है जो सत्ता और विपक्ष दोनों में फेल हो रही है। पायलट टोंक के दौरे पर मीडिया से बातचीत कर रहे थे, उस दौरान उन्होंने ये बात कही। पायलट ने कहा कि 4.5 साल में उनके पास में कोई मुद्दा नहीं बचा। इनके नेता आपसी झगड़ों में फंसे हुए हैं। 4.5 साल में सदन और सदन के बाहर बीजेपी राजस्थान में जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका नहीं निभा सकती। इसके नेता आपस में लड़कर फंसे हुए हैं। आने वाले विधानसभा चुनाव में राजस्थान सहित 4 राज्यों में कांग्रेस सरकार बनाने में कामयाब रही। पायलट ने कहा कि केंद्र में पिछले 9 साल में बीजेपी सरकार काबिज है। सत्ता के घमंड में चूर होकर बीजेपी ने लोकतंत्र को खत्म करने का काम किया है। इन 9 साल में सरकारी एजेंसियों का जमकर दुरुपयोग किया है। महंगाई बढ़ाने, भाई को भाई से लड़ाने, रोजगार खत्म करने, किसानों की बदहाली का काम बीजेपी ने शासन के दौरान किया। बीजेपी अफवाह फैलाने वाली पार्टी है, लोगों को भ्रमित कर वोट बटोरने का काम करती है। हमें उनकी बातों में नहीं आना है, हमें भाईचारे को कायम रखना है। विपक्षी गठबंधन के नाम पर भी बीजेपी को आपत्ति हो रही है। पायलट ने कहा कि कांग्रेस पार्टी 36 कौमों की पार्टी है, पार्टी की रीढ़ की हड्डी कार्यकर्ता है। निकट समय में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, हमें सबको साथ लेकर एकजुटता के साथ में चुनाव में जाना है। देश को तोड़ने वाली ताकतों को करारा जवाब देना है। कार्यकर्ताओं को अभी से एकजुटता के साथ में काम करने हैं। आने वाले विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में पार्टी को जितवाने के लिए फील्ड में जुटने की आवश्यकता है। पायलट ने कहा कि मणिपुर के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से मौन व्रत धारण किया है वह चिंताजनक है। हमारा एक राज्य 3 महीने हो गए हैं, वो हिंसा की आग में जल रहा है। एक राज्य जहां पर सरकार नाम की चीज नहीं बची है, आपस में लोग लड़ रहे हैं, रेप हो रहे हैं, आग लग रही है। बीजेपी की टॉप लीडरशिप मणिपुर पर चर्चा तक नहीं करती। मणिपुर को लेकर हम चिंतित हैं। पार्टी के पास कोई मुद्दा बचा नहीं और मैं इस बात को पहले भी कह चुका हूं कि केंद्र में तो भाजपा सरकार में है, वहां विफल रही। राजस्थान में भाजपा विपक्ष में, यहां भी विफल रही। अजीब पार्टी है जो सत्ता में फेल हो रही है और विपक्ष में फेल हो रही है। 4.5 साल में कोई मुद्दा उनका बचा नहीं कहने के लिए, आपसी झगड़ों में इतने फंसे हुए हैं। और जो एक जिम्मेदार ऑपोजिशन का काम होता है सदन के अंदर सदन के बाहर, उसका वो कर नहीं पाए।